नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ अजय। अगर इंडेक्स को आज ट्रेड करना है तो शायद ट्रेडर्स कहेंगे बहुत ही लल मार्केट है, बोरिंग बाजार है, क्योंकि एक लेवल में ही बहुत ही छोटे दायरों में कारोबार हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है अजय, गुड आफ्टरनून, कि बाजार गिरा नहीं। एटलीस्ट लग रहा था कि शायद कोई गिरावट। यहां मैं लाल टाई पहन के भी आया था अपने व्यूअर्स को और ट्रेडर्स को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए और थोड़ा सा कॉशन देने के लिए कि भाई मार्जिन फंडिंग बढ़ती चली जा रही है, पीसीआर 1.5 के करीब आ गया है, एडवांस डिक्लाइन, इनफैक्ट 200 डे मूविंग के ऊपर वाले शेयर्स की फेहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। Correct. लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाजार टस से मस्त नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इंट्राडे बैट देखें निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपको नजर आएगा कि गिरा नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, एक बहुत ही नैरो रेंज बाउंड तो कर ही रहा है कम से कम। ये फ्लैट लाइन है ना, ये फ्लैट लाइन के बराबर साथ में चला है, तो कहना मुश्किल होगा कि थोड़ा समय बिताना चाहिए दोस्तों। जब तक 19200 टूटता नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी मंदी आपको इमीडिएट टर्म में नहीं करनी चाहिए इंडेक्स में। बैंक निफ्टी का हाल देखिए डॉक्टर साहब, बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाई देगा कि टॉप से थोड़ा सा नरम हुआ, फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में टॉप बना था और इस समय डेज की रेंज के नीचे है, तब भी 45,000 के ऊपर है, 45,200 के नीचे बहुत डीपली नहीं जाता है, तो ज़्यादा मंदी मत करिए। बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आप प्रियंका, क्या जबरदस्त तेजी हो रही है। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टरली अपग्रेड का इम्पैक्ट तीसरे दिन भी आपको वहां पर नजर आ रहा है। बैंक्स में पहले बजाज फाइनेंस चला, आज पूना वाला फाइनेंस चल रहा है 5-6% ऊपर, अच्छे नंबर्स आए। उसके अलावा भी जहां जहां फर्स्ट क्वार्टर नंबर अच्छे आ रहे हैं, अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, वहां स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी है। डायरेक्टर साहब, स्मॉल कैप मिड कैप का इंतजार कर रहे हैं, दिखाइए इंडेक्स, तब तो मूड बनेगा आपको। ये रिकॉर्ड हाई की तरफ आज गया स्मॉल कैप मिड कैप, ये देखिए डेज हाई 0.5% गेन, स्मॉल कैप लेके आइए डॉक्टर साहब, स्मॉल कैप। वहाँ पे सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, लेकिन आपको मिड कैप एनबीएफसीज में तेज़ी दिखेगी, आपको इंजीनियरिंग रियल स्टेट प्रोसीजर से, मतलब बाजार बहुत शानदार चल रहा है। पीएसयू बैंक्स में लगातार तीसरे दिन बाइंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड। मुझे अभी किसी बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने बताया कि पीएनबी में बहुत बड़ी बाइंग हो रही है, तो पीएसयू बैंक थर्ड डे इन ए रो वहाँ बाइंग है, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी हरे निशान में। तो ये सब संकेत जो है बाजार में अभी ऐसे कोई बहुत भीषण मंदी वाले नहीं है। देखिए ऑटो एंसरी संवर्धना चला नहीं था रिजल्ट्स के बाद, अपने बायआउट के बाद 6% चला, तो जहां जहां पे चला वो माल नहीं है और जगह दिख रही है, बाजार वहाँ एक्टिव है। और आप देखिए ना, विक्स भी कूल ऑफ हो गया, विक्स 12 करीब गया था, अभी कितना हो गया, अब 12 से नीचे ही है, सिर्फ 1% तेज रह गया, पर बहुत ज्यादा तेज नहीं था। लेकिन इंट्राडे दिखाइए डॉक्टर साहब, 3.5% की तेजी दिन में थी सुबह, अब सिर्फ 1.5% रह गया। इनफैक्ट आप ऑटो में देखिए कितनी अच्छी तेजी चल रही है, हीरो में वापस बाइंग आ गई। आज पहली बार आपका मारुति 10,000 के पार गया है फ्यूचर्स में, तो डेज हाई पे ऑटो इंडेक्स, तो ये पॉइंट ये। अब आप देखिए, मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ व्यूअर्स को, हमारे साथ राजेश अग्रवाल भी जुड़ेंगे। इंटरेस्ट से सेंसिटिव सेक्टर चल रहे हैं, ऑटो चल रहा है, बैंक्स पीएसयू चल रहे हैं करीब, और एनबीएफसी लोगों को अंदाजा नहीं है, रेट साइकिल कटिंग साइकिल में एनबीएफसी 30-40-50% नहीं चलते हैं, 2-3x चलते हैं। Oh my God. क्योंकि याद नहीं है लोगों को 10 साल, कितनी जनता हमारे बाजार में इस समय 10 साल से ज्यादा है। लास्ट एनबीएफसी में जब तेजी आई थी तो एनबीएफसी 2-3x हुए थे, उसके बाद 10 साल का बैड पीरियड आया और माइक्रो फाइनेंस, तो लोगों को लगता है 30-40-50% चल गया तो काफी चल गया शायद। करेक्ट, अभी तो शुरू ही अगेन, अभी शुरू ही। आज सुबह जब हम 10 बजे महेश पाटिल से बात करते, वो कहते हैं एनबीएफसी का एक और शानदार क्वार्टर आ रहा है ये वाला। अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने तो हम थोड़े से वाली उसमें पहुंच रहे हैं कि देखा है थोड़ा, 2-3x होता है वहाँ पे, तो पॉइंट वो नहीं, पॉइंट ये कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव चल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, ये आज भी दिख रहा है। बट आगे बढ़ते हैं, कुछ पता करते हैं कि हमारे गेस्ट कहाँ पे अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं और बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। एक तो राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ एयूएम कैपिटल के, हमारे साथ मलकान साहब आ गए हैं, वाह क्या बात है। मलकान साहब की तरह जाके ना उनके पीछे जो प्रभु की छवि है वो देख के बड़ा मजा आता है। एक तो हरा, बाजार का रंग हरा, और विघ्न हरता यानी सारे, तो सुदीप भी है हमारे साथ। ओके, तो सबसे पहले विशाल से डायरेक्शन ले लेते हैं कि उनके पीछे से आएगा एक्चुअली डायरेक्शन, विशाल तो माध्यम होंगे। बताइए विशाल बाबू, चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपसे? सर जी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में, और वो बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। 15-20 दिन तक हम लोग देख रहे थे कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है वो 18,800, 700, 800, 700,
तो जब भी मार्केट एक बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, विच इज अ वेरी गुड साइन टेक्निकली, क्योंकि वो मतलब बिल्डिंग तभी बड़ा बनेगा जब बेस स्ट्रांग हो। तो ये बिल्डिंग अभी काफी स्ट्रांग रहेगा ऐसा लग रहा है, तो कोई भी डिप भी आता है 100-150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का भी, और वो जब तक वो ब्रेकआउट लेवल था 19,000 का, उसके नीचे नहीं जाता, तब तक कोई मंदी की बातें या मंदी का रुख लेना नहीं चाहिए। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और सेक्टर स्पेसिफिक आजकल अभी सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स और ऑटो और अभी आईटी स्टॉक्स भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं। सो इट्स लाइक अ प्योर बुल रन विच इज हैपनिंग, सो लेट्स होल्ड ऑन टू द पोजिशंस। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो रहा इंडेक्स पर विशाल का एक व्यू। अब एक व्यू सुदीप से भी समझ लेते हैं, सुदीप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। सुदीप, विक्स कूल ऑफ हो गया, पीसीआर भी थोड़ा नीचे आ गया, क्या मतलब थोड़ा और लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए दिन और मौके मिल रहे हैं यहाँ? जी प्रियंका जी, जो हिसाब से विक्स को आज ने देखा है, इंट्राडे में कूल ऑफ होना, और निफ्टी में जो 19,330 पर कुछ 19,350 कुछ के चैलेंज है क्या जोन इनके से साथ, जहाँ से एक रिबाउंड आ रहा है, विशाल तो मलखान? मुझे लग रहा है कि मार्केट जो ऊपरी स्तरों पे एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी में, और वो कंसोलिडेशन एकदम लास्ट में, इतने बड़े मूव के बाद अगर कंसोलिडेशन नहीं आएगा तो ये वन वे अप मूव तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत हेल्दी रहेगा। तो जो हिसाब से सेक्टर रोटेशन हो रहा है, सेक्टर्स जो पीएसयू बैंक्स, जो आईसीआईसीआई बैंक में आज हमने मूव देखा, ऑटो में एक मूव देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक मार्केट एक नया बेस बना रहा है यहाँ पे। मे बी एक दो दिन और हम देखेंगे ये 19,300 19,400 का कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद 19,430 के ऊपर एक बार जैसे निफ्टी निकलेगा, मुझे लग रहा है कि एक बार 19,560 19,600 तक का ये मूव कंटिन्यूएशन में हम देख पाएंगे निफ्टी पे। एक बात मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, गुड आफ्टरनून। एक फंडामेंटल नज़रिए की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह बाजार जब गिरता है और पीक ऑफ पेसिमिज्म होती है, कई समय एक समय वो ऐसा आता है जब बाजार सिर्फ गिरता है, हजार रीजन जो है बता रहे हैं कि साहब अब तो नहीं गिरना चाहिए, वैल्यूशन इतने सस्ते हो गए, साहब अर्निंग इतनी ख़राब थोड़ी रह हुई है, लेकिन गिरता ही चला जाता है, ओवरशूट करता है नीचे। ऊपर की साइड में भी तो होता है इसके विपरीत, कि सब कुछ फैक्टर इन करने के बाद भी सिर्फ लिक्विडिटी फ्लो पे ओवरशूट करता है। क्या इस समय हम उस समय उस वाले फेज में आ गए हैं? क्योंकि आज डेटा बता रहा है कि रिटेल जनता मार्जिन भर भर के पोजीशन ले रही है और रिकॉर्ड हाई पे है मार्जिन पोजीशंस। गुड आफ्टरनून अजय जी, प्रियंका जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने ठीक कहा कि कुछ स्मॉल कैप मिड कैप में जिस तरीका की बढ़त हो रही है वो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक ऐसे भी बढ़ रहे हैं जिसमें क्वालिटी बिल्कुल है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों बढ़ रहे हैं टाइप्स। कई जगह तो 100-150 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और वहाँ 20-20% का मूव देख रहे हैं, फंडामेंट जाके चेक करो तो क्वार्टर क्वार्टर लॉसेज हैं। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जहाँ दिक्कत है, बट मैं ये नहीं समझता कि सारी कंपनी ऐसी है। अभी भी इतनी बढ़त के बाद एक अच्छा अपसाइड बचता है, कुछ करेक्शन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखो तो 5-6 दिन से लगातार न्यू हाई बना रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेट करे या 100-200-300 पॉइंट की करेक्शन करे। अगर अपने ऑप्शंस का डेटा भी चेक करें तो 19,100 और 19,500 का एक दायरा दिखा रहा है। अब चूंकि निफ्टी एक न्यू हाई बना रहा है, ब्लू स्काई जोन है, तो हो सकता है कहीं भी जा सकता है, बट थोड़ी सी लंबी अवधि लू, मध्यम से लंबी अवधि, तो मैं समझता हूँ 18,600 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और अभी जैसा आप कह रहे थे ना कि रेट साइकिल जब चेंज होता है तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो मैं भी वही बात दोहराना चाहूंगा कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अपसाइड बहुत है, थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। आप देखो फेड ने रेट पॉज किए, आरबीआई ने रेट पॉज किए हैं, क्वार्टरली नंबर्स जो पिछली बार आए थे, कमेंट्री आई थी वो बहुत अच्छी आई थी, और अभी भी जो पहली तिमाही के जो आ रहे हैं आंकड़े वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग आ रहे हैं। आप देखो आज पूना वाला के आए या कल बजाज फाइनेंस के आए, कुछ पीएसयू बैंक्स के आए, सबके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। एक आध को अगर जैसे बंधन बैंक वगैरह को मैं दरकिनार कर दूं तो बॉन्ड यील्ड स्टेबल हो चुकी है, रुपया स्टेबल है, एफआई की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। और विक्स को अगर आप देखो तो 12 के लेवल्स पे कई दिनों कई हफ्तों से या कई महीनों से उस जगह पे टिका हुआ है जो कि बुल्स को बहुत कंफर्ट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो भारत जैसे देश के लिए है वो 70 से $80 के बीच में चलता हुआ क्रूड, जो कि हम
आयात प्रधान देश है, 80% हमारा जो खपत है क्रूड का वो आयात होता है, और वो हमें बहुत कंफर्ट दे रहा है। थोड़ी बहुत कंसर्न्स मानसून को लेकर के है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी वक्ती है, आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ही हम निफ्टी जाने वाला है, बट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है। मध्यम अवधि के लिए 18,600 एक स्ट्रांग सपोर्ट मान के चल सकते हैं। बहुत से क्वालिटी स्टॉक्स जो मिड कैप में हैं अभी भी मेरे हिसाब से अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं। ऑलराइट, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स आप सस्ते वैल्यूएशन पे बता रहे हैं, तो कुछ स्टॉक शेयर भी करें राजेश हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए स्टॉक्स तो कई हैं, अब वक्त की पाबंदी को देखते हुए एक स्टॉक अगर बताना हो तो मैं समझता हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ जाना चाहिए, जिसमें अगर आप देखो तो पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और रियल स्टेट, ये तीन डिवीजन है कंपनी की, और जो रीसेंट लैंड एक्विजिशन उन्होंने करी है ना पुणे, बैंगलुरु और मुंबई में, वो उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर देगी। पेपर एंड पल्प में भी अगर देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में इनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, टिश्यू पेपर में इन्होंने कैपेसिटी डबल कर ली है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात जो है वो नेट डेट टू इक्विटी इनका बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। मुझे लगता है कि इतनी बढ़त के बाद भी अगर आप देखो तो मई महीने में 700 कुछ रुपया चल रहा था और अभी 900 कुछ रुपया, 20-25% के बढ़त हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा अपसाइड अभी भी बचता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स। सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छा आपका चुनाव है, और मैं बता दूं ये रियल एस्टेट कंपनी है, इस कंपनी के अंदर बल्क ऑफ द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट है, वो भी प्रीमियम रियल एस्टेट, इसको नज़र में बना के रखिए। 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कैसे धीरे धीरे मीठे मीठे चलता रहा, कोई बड़ी रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अगर आप न्यूज़ फ्लो फॉलो करें ये देखिए 3 से 6 महीने का चार्ट दिखाई रेट साहब, ये देखिए 30% 6 महीने में चला है, 6 मंथ्स के हाइस्ट लेवल्स पर आ गया है। सुदीप आपके क्या ट्रेडिंग कॉल्स हैं पहले ये बताइए, फिर कुछ और चार्ट से बात करेंगे। जी अजय जी, मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल है उज्जीवन। हम देख रहे हैं ये एनबीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम बंधा हुआ है, तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे लग रहा है एक अच्छा पिक यहाँ पे हो सकता है। स्टॉक डेली वीकली मंथली सब टाइम फ्रेम पे एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और हमने देखा है पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक में हम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देख रहे हैं, प्लस ये सारे जो दूसरे एनबीएफसी जैसे पूना वाला, बजाज फाइनेंस, ये सबके जो बिजनेस अपडेट्स आए उसके बाद ये पूरे एक सेक्टर को एक रीरेटिंग मिल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम हम इसमें देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे उज्जीवन में भी बाय किया जा सकता है मौजूदा भाव से, और 398 के स्टॉप लॉस से 430 और 445 का टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये हम देख पाएंगे। दूसरा स्टॉक है सीजी पावर। अब हम मिड कैप में एक अच्छा मूव देख रहे हैं, तो पावर स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है एक मोमेंटम, अब अगला सेक्टर वो होना चाहिए कि मोमेंटम हम वहां पे भी देखें, और सीजी पावर में एक अच्छा मूव आया था मई और जून के महीनों में, कि जो 320 और 390 तक का एक मूव हमने देखा था, उसके बाद पिछले एक सवा महीने से हमने ये स्टॉक को एक रेंज में देखा है कंसोलिडेट करते हुए, और मुझे लग रहा है यहाँ पे अब एक ब्रेकआउट आ रहा है ये स्टॉक में, तो 370 के स्टॉप लॉस से 410 के टारगेट के लिए सीजी पावर बाय कर किया जा सकता है। विशाल आपके ट्रेडिंग आइडियाज। जी सबसे पहले मेरा जो स्टॉक होगा वो पहला है जो आज काफी दिन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है वो लेवल्स के ऊपर, उसका जो 90 रुपए का रेजिस्टेंस था वो है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, और ये डेली और वीकली दोनों चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया, और आज का जो वॉल्यूम है मतलब मैं बोलता हूँ प्राइस भी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है और वॉल्यूम भी अच्छा है, सो प्राइस पैटर्न वॉल्यूम और मोमेंटम और वॉलिटिलिटी ये सारे इंडिकेटर्स फेवरेबल है, तो मुझे लगता है इसमें काफी एक अच्छा मूव मिल सकता है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट 100 से 102 का टारगेट देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में और 110 से 115 का मीडियम टर्म में, तो ये पहला कॉल रहेगा मेरा। और दूसरा मेरा कॉल है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है काफी दिन से, बट उसमें और भी एक उसने लेवल को क्रॉस कर दिया जो उसका रेजिस्टेंस था 240, और वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, सो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमको अच्छा मूव मिल सकता है, विच इज अराउंड 240 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 265 टू 270 का टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में।
ठीक है, और राइट, तो ये आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, आपने ठीक है बाय कॉल्स इनिशिएट किया और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ज़्यादा कॉल्स लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने, ठीक है। लेकिन इस बीच क्योंकि बाजार पर इस वक्त सारा अटेंशन जो है, जो बड़े ट्रिगर्स है वो अर्निंग्स हैं और अर्निंग्स और बिजनेस अपडेट्स हैं, उसके चलते आपके स्टॉक्स चल भी रहे हैं, तो शरद एक हमारे लिए लिस्ट कंपाइल करके लाए हैं कि आज दिन के दौरान कौन कौन सी कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, एक बार आइए शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आंकड़े पे फोकस करेंगे। Q1 नंबर्स लार्जली इन लाइन देखने मिले हैं, एडवांसेस डिपॉजिट्स जो है दोनों में 30% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है, और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखें तो लार्जली फ्लैटिश लेकिन पॉजिटिव साइड रही है। एंजल वन में जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q1 नंबर्स देखने मिले, जहाँ पे क्लाइंट बेस 9% बढ़ा है सिक्वेंशियली, और वही एवरेज डेली टर्नओवर जो रिटेल टर्नओवर होती है, मार्केट शेयर, इन दोनों में जो एक अच्छी इजाफा देखने मिली है, और स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट आया देखने मिला है। पूना वाला फिनकॉर्प में भी देखें तो डिसबर्समेंट्स और AUM दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं, और स्टॉक में रिएक्शन देखें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिला है। GCPL की बात करें तो लार्जली स्टॉक फ्लैटिश ट्रेड कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव बायस थोड़ा देर के लिए आया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये आ रही है कि वो डिलीवर करेंगे हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम के हिसाब से, और सेल्स के हिसाब से बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो वहाँ पे जो है डबल डिजिट पे रहेगा। एबिटा ग्रोथ पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आई है, और वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग, जो आप कह सकते हैं सॉलिड ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, और ऑफकोर्स जो प्राइसेस है उसमें जो कटौती देखने मिल रही है रॉ मटेरियल प्राइसिंग की। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो बहुत शानदार Q1 अपडेट्स आए हैं, और डिपॉजिट्स देखें तो 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। ऑफकोर्स कासा रेशियो जो है मोस्ट ऑफ द बैंक्स में जो है सिक्वेंशियली का डाउन टिक देखने मिला, लेकिन आज स्टॉक इम्पैक्ट देखें तो अच्छा कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, अच्छी ग्रोथ आई है। पेटीएम के देखा जाए तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ Q1 नंबर्स देखने को मिले हैं, हालांकि अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ले तो आपके नंबर ऑफ लोन्स ले लीजिए या वैल्यू ऑफ लोन लीजिए, उसमें जो है गिरावट देखने मिला है। हालांकि एक पेंट अप डिमांड ज़रूर था मर्चेंट लोन्स में, अगर आप अप्रैल टू मई के लेवल्स की बात करें तो अब पेटीएम में जो है मिक्स सेट ऑफ Q1 नंबर्स आया है। अब आखिरी में बात करेंगे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की, हालांकि नंबर तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, पर थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव बायस ले रहा है क्योंकि स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी देखने मिली थी रिसेंटली। यहाँ पे वॉल्यूम्स 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ देखने मिला है, हालांकि जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होती है उसमें 33% का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारी लिस्ट कंपाइल करके लाने के लिए, और इन स्टॉक्स के रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बिजनेस अपडेट स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। लेकिन एक बार एंजल वन को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर भी। इनफैक्ट अजय आपको याद होगा कि जितने भी सारे डीमैट अकाउंट्स थे, जो भी ये ब्रोकिंग अकाउंट्स है, उनमें सिर्फ एंजल वन था जिसका लास्ट क्वार्टर काफी डिसेंट गया था एज कम्पेयर टू, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी काफी जोर दे रही है, कंपनी बहुत फोकस कर रही है सुपर ऐप के बाद। बट मैं आपको बता दूं कि बाजार बॉटम होता है जब, उसके बाद इनके जो अकाउंट की जो ग्रोथ थी वो भी स्लो हो गई थी, स्लो हो गई थी, और वो बॉटम हो गई है, पिकअप हो रही है, वो बाजार के साथ चलता है, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। अब फिर से बाजार में मोमेंटम 1800 में भाव देखिए, 1800 1200 का लो बना के डायरेक्टर साहब 6 महीने का दिखाइए, और बिना पूछे 6 महीने का ग्राफ चला दिया करिए, क्योंकि उससे रेफरेंस मिल जाता है कि भाव कहाँ से आ रहा है। तो ये जब लो हुआ था ना, स्लो ग्रोथ, 50% ग्रोथ चलती चलती फिर 20-25 तक गई थी, वो देखिए भाव आ गया था 1000 तक, फिर वहां से वापस 40%। लेकिन मैं आप ही सवाल पूछा, इस पे क्या ट्रेड लेना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल लेना चाहती हूँ मैं तो एंजल वन पे सोच रही थी कि एंजल वन की मूव एक बार विशाल कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि अच्छी खासी मूव आ चुकी है पिछले 6 महीने में, लेकिन अब जो अर्निंग्स का ट्रिगर रह सकता है, अब करंट क्वार्टर का जो ट्रिगर रह सकता है, क्योंकि बाजार अर्निंग से पहले चलने लग जाएगा जहां जहां अच्छी उन्हें विजिबिलिटी दिखेगी, इस पे एंजल वन पे क्या रहेगा व्यू? यस, अभी जैसे मैं उसका चार्ट देख रहा हूँ कि उसका जो एक साल का हाई था 1650 के नजदीक, वो क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग और उसके साथ मोमेंटम और वॉल्यूम हो रहा है, तो अब उसकी जो ऊपर का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज ऑलमोस्ट द ऑल टाइम हाई जो 2050 के नजदीक है, मतलब वहां तक उसकी लिमिट खुल चुकी है, मतलब वो अभी वहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो वी कैन लुक एट दिस स्टॉक गोइंग अप टू 2050-2100। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत मज़ेदार बातचीत सुनवाते हैं, वो आ रही है बजाज ऑटो के मैनेजमेंट से। बजाज ऑटो ने एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्टॉक में भी धमाकेदार मूव आ रहा है 3.5%, और ये धुएं में से निकलती हुई ट्रायम्फ के साथ जॉइंट वेंचर में जो उन्होंने बाइक लॉन्च की है, इसका नाम बड़ा पेचीदा है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ट्रायम्फ और बजाज ऑटो की जॉइंट वेंचर में ये हाई CC वाली बाइक है। खैर अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है, वहीं से नीचे से कमेंट्री भी आ रही है बजाज ऑटो की। राजेश आपको पता है कि इन्होंने क्या बोला है कि
आयशर, ऑफ कोर्स सबको पता है कि आयशर में क्यों कमजोरी आ रही है कितने दो तीन दिन से, राइट। बजाज ने हाँ स्क्रैम्बलर 400X ये लॉन्च की है, और कल ही हीरो मोटो ने अपनी हार्ले डेविडसन के साथ हायर सीसी बाइक लॉन्च की थी। तो कमेंट्री ये दिए बजाज ऑटो ने कि आयशर मोटर एक बैंक है एंड वी आर अबाउट टू रॉब दैट बैंक। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 90% मार्केट शेयर है हायर प्रीमियम बाइक के सेगमेंट में। अभी तक आयशर वॉज द बिग दादा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड पूरी, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड ने अपने ट्रेडिशनल बुलेट के साथ बड़ी न्यू एज बाइक्स भी लॉन्च की, तो इसलिए पकड़ के रखी थी जगह। अब बजाज ऑटो और हीरो भी वहाँ पे आ रहा है। 4800 रुपये बजाज और 3000 रुपये हीरो, ज़्यादा पैसा कहाँ से बनेगा आपके हिसाब से? देखिए छोटी अवधि की बात कर तो मैं समझता हूँ कि हीरो में थोड़ा सा अपसाइड बचता है, बट मैंने हमेशा बजाज ऑटो को प्रेफर किया है ऑन अदर टू व्हीलर मेकर्स आई वुड से, क्योंकि एक तो न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इनके इंटरनेशनल में भी अच्छे पकड़ बनी हुई है, नए लॉन्चेस लगातार करते जा रहे हैं, कई बार इन्होंने नए टाइप्स किए, पिछले साल ये कुछ साल पहले केटी से किए थे, अब ये नए ट्रायम्फ के साथ कर रहे हैं, और जो 2.25 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया की रेंज में बाइक लॉन्च हो रही है, मुझे लगता है कि जिस तरीके की बजाज की डीलर नेटवर्क है, जिस तरीके की पकड़ है बाजार में, ये बिल्कुल हिट होगी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स आप अगर महीने दर महीने के आंकड़े देखो तो एक आध महीने को छोड़ के बाकी हर महीने में अच्छे नंबर्स आए हैं, और ईवी में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये जो रॉयल एनफील्ड के साथ इनकी कुछ मार्केट शेयर ग्रैब करने की बात हो रही है, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और कोई भी गिरावट आती है 4500 का लेवल्स बहुत कंफर्टेबल लेवल होगा किसी को अगर बहुत सेफ करना हो तो, यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह है। ओके ऑलराइट, तो खरीदारी की सलाह है, और बजाज ऑटो की तो यहाँ बात हुई, लेकिन ये जो इन्विक्टो का प्राइस है, ये प्राइस बैंड, इनफैक्ट जो नई नई गाड़ियों की बात हो रही है, मारुति की जो इन्विक्टो का प्राइस आया है वो भी काफी 28 से 30 लाख, क्या बाजार इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था? देखिए प्रियंका, आपको समझना होगा जो इन्विक्टो आई है उसके हम आपको विजुअल दिखा देते हैं, मारुति की जो गाड़ी वो जो है इनोवा की जो हाईक्रॉस है जो 28 लाख या 25 से 28 लाख की रेंज वाली, उसके बगल में आगे खड़ी हो जाती है। इनोवा में क्या था, टोयोटा इनोवा की गाड़ी टॉप एंड थी, एमपीवी में राजा है वो भी, लेकिन वो उसका टैक्सीजेशन हो गया था क्योंकि टैक्सीज में बहुत चलने लगी थी, समझिए आप, ये तो बड़ी अच्छी टर्म बताई। तो इनोवा ने कोशिश की थी कि इसको मैं ऐसी प्रीमियम बना दूंगा कि वो पर्सनल यूज में ज्यादा चलेगी, टैक्सी में कम, क्योंकि लोग ले नहीं रहते, पर्सनल यूज कम ले रहे थे कि हाँ ये तो टैक्सी की गाड़ी है, इनोवा टैक्सी गाड़ी है, तो इन्होंने निकाल दी। लेकिन ये जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ सेगमेंट है, और अभी तक मारुति के पास ग्रैंड विटारा के ऊपर कोई गाड़ी नहीं थी जो क्रेटा तक कम्पीट करती थी, बात खत्म। लेकिन हैरियर, एमजी हेक्टर और आपकी इनोवा के साथ कंपीट करने के लिए मारुति पास कोई गाड़ी नहीं थी, राइट। वो लॉन्च किया, आज का भाव देखिए डेज हाई 3%, तो उन्होंने एक और कैटेगरी अपनी गैप जो था बंद किया और ये लॉन्च कर दी। 25 से स्टार्टिंग है, अगर आप मूड बनाइए तो बताइए, 28 से 30 लाख, बट टॉप एंड 28-30 पे जाएगा, उससे कम में नहीं। अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती, अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती, इसलिए इंडिया सस्ता नहीं मिलता, ये बात भी है। बहुत कम टाइम में इंडिया जो है चीप रहा है क्राइसिस के टाइम में, वरना इंडिया सस्ता नहीं मिलता। बट भाव देखिए 99.43, आज फ्यूचर्स में इसने 10,000 क्रॉस किया है। विशाल चार्ट्स बताएं, जब ये प्रीवियस हाईज ऐसे क्रॉस करता है फर्स्ट टाइम वगैरह वगैरह, तो क्या एक नई टेरिटरी खुल रही है इसके लिए? डेफिनेटली खुल रही है, क्योंकि वो एक 10,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 5 फिगर का नंबर है, पहली बार उसको क्रॉस कर रहा है, और उसके ऊपर वो अगर क्लोजिंग आ जाता है, और प्लस न्यूज भी है, और वीकली चार्ज पे और डेली चार्ज पे दोनों पे उसके मोमेंटम सारे लेवल बहुत अच्छा, कंसोलिडेशन कर रहा था काफी दिनों से, और एक रिएक्शन देने के बाद ब्रेकआउट दिया है, मतलब वहां पे एक फ्रेश बाइंग हो रही है, तो डेफिनेटली, और ऑटो सेक्टर ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक बड़ी अच्छी नई तेजी दिख रही है मारुति के स्टॉक में, और यहाँ से जबकि स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो एटलीस्ट हम 10 से 15% का मूव दे सकते हैं यहाँ से फॉर श्योर। चलिए, तो ये तो हुई मारुति की बात, जो एक ऊपर की तरफ नई टेरिटरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्सल जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत बने हुए हैं अपनी आज की स्ट्रेटजी देने के लिए, उनसे बात करते हैं। तुम्हारा ऑप्शंस का चैंपियन बताइए अक्षय, आज कौन सा ट्रेड है आपके पास? नमस्कार, तो आज के लिए ऑप्शंस में अगर एक्टिविटी देखेंगे तो फार्मा सेक्टर का जो डीवीज लैब है
वो उसका सेटअप हमें पसंद आ रहा है। तो अगर आप देख ये स्टॉक को आज देखा जाए तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है 3650 के स्तर पे। करेंटली वो 3720 के स्तर पे चलता हुआ दिख रहा है, ऑलरेडी 4% अप है, पर यहाँ से उसने आज मोमेंटम पिकअप करा है और जो 3700 का जो कॉल था जहाँ पे इस पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल रेजिस्टेंस थी उसको उसने इंट्राडे में पार करा है। तो हमें लग रहा है कि जल्दी कुछ 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में 3900 की तरफ जाते हुए हमें लग रहा है ये फार्मा स्टॉक। हम इसे ऑप्शन में आप जुलाई सीरीज का 3720 एट द मनी का कॉल करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, करीबन 125 से 127 चल रहा है उसका। इसका टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 185, सेकंड टारगेट 210 और आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 87 का। 3720 की कॉल आप कह रहे हैं खरीदने के लिए और टारगेट आपका रहेगा 182 का पहला, 210 का, लेकिन ऑप्शन के ट्रेड काफी रिस्की रहते हैं तो इसलिए स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें, 87 रुपीस का स्टॉप लॉस जो हमारे एक्सपर्ट हमें आज बता रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया अक्षय ये जानकारी देने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और कुछ और ट्रेड्स भी देखते हैं क्योंकि बाजार तो बहुत ही ठहरा हुआ सा लग रहा है। हालांकि अब थोड़ी सी निफ्टी में और फर्दर थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, गर्मी बढ़ रही है बेसिकली, थोड़ी सी स्लाइड और हुआ है। हाँ करेक्ट, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विंस सुबह से लगातार जिन लेवल्स पे खुले उनसे बस आधा 1% ही और गिरे, मतलब शॉर्ट टर्म में चल गए। सत्य बात तो यही है, कितना भी कहिए आप, आपको बहुत पसंद हो लेकिन क्योंकि हम अपनी हमारी स्पिरिट जो स्वदेश की है कि जो सच है वो सच है, सच है कि शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ चल गया, चल चुका है, राइट, तो थोड़ा तो अनवाइंड हो ही सकता है। तो इसमें बेरसा भी है, थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है जो लॉन्ग पोजीशन है। ये शॉर्ट टर्म में खबर के ऊपर ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं ना वो कोई 10 ईयर व्यू लेके तो काम करते नहीं, या 100 मिलियन डॉलर काम करते, वो तो 10 लॉट 5 लॉट वाला काम करते हैं। जहाँ पैसा बना अनवाइंड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, राइट। तो ये देखिए 3-3 डेज लो पे, आज खुलने के बाद भी इसमें फ्रेश मंदी हुई है, आधा 1% और मिला है नीचे, बस इतना ही मिल पाया। लेकिन आपको अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं और आपको शॉर्ट है तो आपको मिर्ची लग रही है, राइट। बट मिर्ची ना लगे, देखिए आपको मिर्ची बहुत पसंद है क्योंकि खबर ऐसी है, मिर्ची का जिक्र बहुत कर, खबर ऐसी है। विश्व मोहन है हमारे साथ, किचन में महंगाई का तांडव शुरू हो चुका है और क्योंकि मैं वीकेंड्स में किचन में बहुत समय बिताता हूँ तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा, पहले टमाटर लेने गया तो उसने कहा 100 रुपए, हैरान रह गया। अब मिर्चा लेने गया, अब अमूमन आदमी 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए की मिर्च लेता है, 100 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है मिर्च, बहुत दिक्कत है आम आदमी को, आम ट्रेडर को बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या अदरक मिर्च और हल्दी भी उसके पीछे पीछे जाएगी, विश्वा बताएंगे। विश्वा, ये जो ओवरऑल जो किचन का बजट है ना वो तेज़ी से फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। पहले दाल से वो महंगाई शुरू हुई थी, जो तुअर दाल थे वो तेज़ी से दाम बढ़े थे, अब किचन की महंगाई, अब टमाटर जो मई के महीने तक 10 से 20 रुपए प्रति किलो रिटेल में भाव थे वो बढ़कर 100 से 150 रुपए किलो तक जा चुके हैं। मिर्च भी तेज़ी से लाल होती जा रही, तेज़ी से इसकी भी महंगाई बढ़ गई है। साउथ में आंध्रा और कर्नाटक जो बड़े राज्य हैं, उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पर उत्पादन भी कम हुआ है, बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है और जो किसान हैं दूसरी फसलों की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं, तो दाम तेज़ी से बढ़े हैं और कई शहरों में मिर्च के दाम अब 100-200 से लेकर 400 रुपये प्रति किलो तक जा चुके हैं। कोलकाता में 400 रुपये प्रति किलो मिर्च के भाव हो चुके हैं। मिर्ची नहीं, अदरक के दाम जो 10 रुपये से लेकर 30 रुपये पाव तक मिल रहे थे अब 40 रुपये पाव हो चुके हैं और कई जगहों पे तो कीमतें अब 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक भी अदरक की कीमतें जा चुकी है, यानी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा दाम बढ़े हैं मसालों के, जिसमें सबसे आगे जीरा है। जीरे के दाम महीने भर में 24% बढ़ चुके हैं, साल भर में 100% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है और ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। और वायदा में ही आप देखें तो 60,000 के बेहद करीब भाव है और उम्मीद लगाई जा रही है कि और नया रिकॉर्ड बनने वाला है। हल्दी के दाम जो मई के महीने तक 7,000 रुपये के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था 3,000 रुपये बढ़ गए महीने भर में और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर जा चुका है। धनिया लंबे समय तक 6,000 के नीचे था, उसके भाव 7,000 के ऊपर आ चुके हैं, यानी मसालों की कीमतें तो बढ़ी रही है। इसके अलावा टमाटर, मिर्ची, अदरक, सौंठ, ये सब तमाम चीज़ें हैं जिनके दाम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत तेज़ी से दाम बढ़ते जा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन इन चीज़ों की प्राइसेस में भी आग लगी हुई है, जीरा, हल्दी, धनिया और 300-400 रुपये पर केजी किलो के हिसाब से कई शहरों में तो मिर्ची पहले ही पहुंच चुकी है। ठीक है, शुक्रिया विश्वा ये जानकारी देने के लिए। बाजार एक्चुअली ट्रेडर्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हर जगह तेज़ी है, तो ये तेज़ी अब आपको इस कमोडिटी मार्केट, सॉफ्ट कमोडिटीज़ में भी देखने को मिल गई है, लेकिन विच इज़ नॉट गुड फॉर द किचन ऑफकोर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं और इनफैक्ट 3 बजे हमारे साथ शरद भी जुड़ते हैं,
खबर गर्म है बताने के लिए, उनसे अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस बीच एक दो ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं। भेल में जिस तरह की आज तेजी है BHEL में सुबह 6.5% की, ज्यादातर सस्टेन नहीं करती, एक रेजिस्टेंस विशाल का कॉल भी था, ये विशाल का ट्रेडिंग आइडिया भी था BHEL का, अभी अभी 6.5% बहुत दिनों बाद ये ब्रेकआउट आया, ये मामूली बात नहीं है। सस्टेन कहां करता है जी, मैं आपको बताऊं ये कि इसमें हुआ क्या था। लगभग हर HNI जो देश में 100 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो वाला ट्रेडिंग कर रहा था, उसने पिछले साल कोई ऐसा होगा जिसके बाद BHEL का स्टॉक नहीं, इतना ओवर स्टॉक चला ही नहीं, तो लोगों ने एक एक करके बेचना शुरू किया। और इसको एक साल का लिया डॉक्टर साहब, देखिए एक साल की बात हो रही है, तो बेचते बेचते 70 रुपये तक मार दिया इसको, 60-70 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई गेट इट राइट। वहाँ से सारा कैपिटल गुड चला, ये नहीं चला, ये देखिए इसका लो देखिए आप, 67-68 वहाँ से जैसे ही स्टॉक काउंटर लाइट हो गया, सबका माल उतर गया, वहीं से चलना शुरू करता है स्टॉक। पर पता नहीं 80-85 के आसपास आके एक बार रेजिस्ट बैंड में आ जाता है, क्या अभी तो इस बार नहीं हुआ, इस बार उसको क्रॉस किया इसने, आपने सही बोला। ठीक है, तो ये आप विशाल से तो हम ऑलरेडी इस पर राय ले चुके हैं, लेकिन दूसरे कुछ और स्टॉक्स पे आज जो FMCG पैक में और स्पेशली मिड कैप पैक में, मेरिको, डाबर जैसे स्टॉक्स में भी है, कोलपैल, ITC, अच्छी खासी मूव है FMCG पैक में। एक बार राजेश से समझते हैं, इनफैक्ट राजेश FMCG इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे साल में रही भी है, अब तक जो 2 quarters रहे FMCG के, अब भी यहाँ से और कहाँ वैल्यू अच्छी इमर्ज होती हुई दिखती है आप, या फिर आपको लगता है कि सारा स्पेस अभी और मूव बाकी है? देखिए FMCG में मुझे लगता है कि अभी भी इतनी बढ़त के बाद थोड़ी सी स्पेस तो बिल्कुल बनती है, जिसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि कई कारण है। एक, बारिश जब ठीक ठाक होने लगेगी, जो कि अब खबरें आने लगी हैं, कई जगह मानसून आ चुका है, तो रूरल में डिमांड निकल कर आएगी। दूसरे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 6-8 महीने के अंदर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन में, जहां सरकार का फोकस पूरी तरीके से रूरल पे रहता है, तो वहां पे भी लगता है कि रूरल की डिमांड निकल कर आएगी। और इस पूरे स्पेस में अगर कोई एक आधा स्टॉक चुनना हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें ITC, जो कि हम 150-160 के लेवल से बोलते आ रहे हैं, और अब 470-80 तक आ गया, 3 गुना हो गया है, बावजूद उसके मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी बढ़त हो सकती है। अभी भी आप देखो तो 28 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि दूसरे FMCG प्लेयर्स से सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, फिर वो चाहे ROE हो चाहे ROCE हो, दोनों 29-30% के ऊपर आ रहे हैं, कैश ऑन बुक्स जो है वो 4% मार्केट कैप के आसपास का है, और सबसे बड़ी बात जो होटल डिविजन्स को लेके चिंताएं बनी हुई थी कि होटल डिविजन के कैश खराब कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, वहां से बहुत अच्छी बढ़त आ रही है। मुझे लगता है वॉलिडॉल अभी भी ITC पे ही नजर रखनी चाहिए, और यहां से न केवल FMCG बल्कि आपको हॉस्पिटलिटी और दूसरे डिविजन का भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दो बातें हुई एक्चुअली बता दें, इससे पहले कि प्रियंका जी भूल जाए उसको, एक तो 10,000 के पार आ गया, बहुत दिन से नजर गड़ाई बैठी हुई थी, तो इन्वेक्टो इंपैक्ट है क्या ये? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। दूसरा ये कि डी रेटिंग आयशर की वो हाँ, जा रही है, हाँ वो जा रही है, करेक्ट, कल 6% और आज 8-9% गिर गया, दो दिन में 10% निकल गया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी बाइक्स रॉब करना चाहती हैं बैंक को, कंपनीज, इनका मार्केट शेयर इतना जबरदस्त है और मार्जिन बहुत हाई होता है, 2.5 लाख की गाड़ी में 30-40 हज़ार का मार्जिन होता है, 60 हज़ार की गाड़ी में 3,000 का मार्जिन होता है, तो ये हाई मार्जिन कैटेगरी है जो ये हीरोज एंड बजाजेस मिस कर रही थी अभी तक, अब वहाँ घुस गई हैं। एनीवेज, नॉस्टैल्जिक इवेंट है, मारुति 10,000 के पार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऑटो की रैली में तेजी है। एक स्टॉक की तरफ जाना चाहूंगा विशाल आपके साथ, वो है एस्कॉर्ट्स, ओके सुदीप है, सुदीप आपके साथ ही बात कर लेते हैं एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स में आज खुलने के साथ ही तेजी आई, 1% की घुसा स्टॉक, उसके बाद 50 रुपये भाग गया 2.5%। इसका 6 महीने का ग्राफ लिखे डॉक्टर साहब, कंपेयर टू अदर CV स्टॉक्स क्या लगता है कहाँ जाएगा ये? सुदीप अजय जी, जो हिसाब से एस्कॉर्ट्स में, या जो हिसाब से हम एस्कॉर्ट्स में मूव देख रहे हैं, ये दिसंबर 2022 के बाद ये हाईएस्ट लेवल पे, मतलब पिछले 6-7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे, और पिछले 1 महीने का अगर हम देखें चार्ट, तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट पिक ऑफ जून से 2120 और 2200 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने इसमें ब्रेकआउट देखा, और मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम सारे ऑटो स्टॉक्स, फिर अब 2-व्हीलर कहिए, 4-व्हीलर कहिए, ये ट्रैक्टर्स वाली कंपनीज कहिए, M&M, एस्कॉर्ट्स, ये सब में एक अच्छा मोमेंटम है,
मुझे लग रहा है ये मोमेंटम पे राइड करके यहाँ से 2200 के स्टॉप लॉस से 2450 का एक अच्छा टारगेट यहाँ पे आता हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा है ये एक अपना जो पुराना पिछले साल का जो हाई था 2350 का तकरीबन, ये उसके ऊपर भी एक बार क्रॉस करके निकल जाएगा। मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है, इसे इसे मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे या एक छोटे से डिप पे स्टॉप लॉस रहेगा 2200 और टारगेट रहेगा 2350 और 2400 का। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो स्कॉट्स कुबोटा पे बात हुई, तो पिछले 3 महीने में आप 21% तक की इसमें सर्ज देख चुके हैं, लेकिन अब वक्त हो गया है शरद से जुड़ने का। क्या खबर है लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं कौन सा स्टॉक है। बताएं शरद, कौन सा स्टॉक है जहां खबर गर्म है? जी बिल्कुल, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है फोकस में रहने वाली है, और यहाँ पे जो है हमें पता चल रहा है कि जो आस्क पीएमएस है उन्होंने जो है ऐड किया है अपने इंडिया सेलेक्ट पोर्टफोलियो में, कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट डी आईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, जहाँ पे कैनरा रोबको म्यूचुअल फंड है, कोटेक म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, और इवन DSP म्यूचुअल फंड हाउस जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में। कंपनी की जो रैशनल बताई जा रही है वो लगभग ये है कि एक हेल्दी डेट फ्री बैलेंस शीट है, लगभग 3800 करोड़ उसका कैश है, जब भी ऑर्डर्स आते हैं तो 12 से लेकर 15% तक का जो मोबिलाइजेशन होता है, एडवांस जो कहते हैं, वो मिल रहा है कंपनी को, और साइजेबल ऑर्डर्स जो है नेवल फ्रिगेट्स से आ रहे हैं, और ये दो कंपनी से आ रहे हैं लिस्टेड स्पेस से, एक है GRSE और दूसरा है मजगांव डॉक। और याद रखिए जो इनका 30% का जो ओवरऑल वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, वो सिर्फ इंडिया में अभी तक जो है करेंटली से वही सप्लाई कर रहे हैं, तो एक टाइप से मोनोपोली करेंटली देखने मिल रही है। और ओवरऑल ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ के ऊपर। FY24 का गाइडेंस की बात करें तो 15 से लेकर 17% तक का ग्रोथ का अनुमान है, और वहीं पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स का अगर रेंज हो तो लगभग 21 से लेकर 23% तक है। लेकिन याद रखिए स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप देखने मिली है, स्टॉक ऑलमोस्ट 37% का जो है इंक्रीज देखने मिला है, ये जनवरी लो से देखने मिल रही है, और अब जो है 12 मंथ टारगेट प्राइस ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ 130 रुपये का है। तो हालांकि जो रनवे है ग्रोथ का अगले 12 महीने में वो थोड़ी कैप जरूर हो सकती है, बट यहाँ पे जो है एक एडिशन हुई है, एक PMS ने किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर नजर रखनी होगी, जो शरद हमें यहाँ पर खबर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा PMS इसमें ऐड कर रहे हैं, और ठीक है, और रैशनल बताया उन्होंने कि उनके रैशनल क्या है स्टॉक को ऐड करने के। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि बड़ी मूव आज नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले काफ़ी तेजी थी उस स्टॉक में। एक बार BEL के चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आदित्य अरोड़ा बने हैं टेक्निकल एनालिस्ट पे, उनसे बात करते हैं। आदित्य बताएं, BEL का चार्ट एक बार चेक करके आप बताएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। सो BEL की बात करें आप या फिर बाकी PSU काउंटर्स की बात करें, चाहे वो PSU बैंक हो या नॉर्मल अदरवाइज PSU हो, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और बुलिश पैटर्न ही बन रहे हैं। हालांकि BEL अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चल रहा है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 128। एक बार ये लेवल क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक नई तेजी की शुरुआत होगी, और वहां से हम ऑलमोस्ट 137 145 के लेवल देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 115 का। आपकी अपनी और रिकमेंडेशंस क्या होंगी आदित्य? मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ऑटो सेक्टर से। मेरी एक इम्पोर्टेंट स्टडी है, रिसर्च चल रही है मेरी ऑटो सेक्टर में, तो अगर आप देखें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में था, और बेस्ट ऑफ इट्स टाइम इसने 2014 तक देखा था, वहां पे आपने मारुति का भी 10,000 का लेवल देखा था, ऑलमोस्ट 9,990 का लेवल देखा था। फिर इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिले, नई नई पॉलिसीज आई, सेक्टर ने काफी कंसोलिडेट किया, पर अब एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है, और मैं मानता हूं कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो अभी 15,500 जितना चल रहा है वो दौड़ लगा सकता है 18,000 से 19,000 तक। तो मेरे पिक्स उसी सेक्टर से रहेंगे। तो जो पहला आइडिया मेरा रहेगा वो रहेगा मारुति पे, तो मारुति को बाय किया जा सकता है 9782 में, और 9,500 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 10,300 से 10,900 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक रहेगा मेरा बजाज ऑटो, जो अभी 4745 में बाय किया जा सकता है, 4,550 का रहेगा स्टॉप लॉस, 5,050 का रहेगा टारगेट, 5,200 का रहेगा टारगेट।
ठीक है, सो बजाज ऑटो पे आपकी रिकमेंडेशन होगी, ऑटो पे आप अपनी रिसर्च भी बता रहे थे, बिल्कुल ऑटो इंडेक्स तो अपनी अलग चाल चल रहा है, स्टॉक्स चाल चल रहा है। मारुति देखिए 3 लाख करोड़ के पार हो गए मार्केट कैप मारुति सुजुकी की, 10,000 ऑलरेडी आज फ्यूचर्स में तो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, आप कैश में भी पिछले 15 मिनट में आपको मारुति सुजुकी का चार्ट स्टॉक दिख भी रहा है 10,000 के पार, और यहाँ से 5,000 की तरफ बढ़ते बजाज ऑटो, लेकिन बाय रिकमेंडेशन बाय रडार पर आदित्य के बिल्कुल है। ठीक है, कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं जो अब बीटीएससी ट्रेड्स भी हैं और मार्केट में भी रिकवरी आई है। इनफैक्ट निफ्टी अब 19,400 के पार है, बैंक्स हालांकि उन्हीं उसी जोन के पास ट्रेड कर रहे हुए 45,150 के पास, जो लगभग शो की शुरुआत में जिस तरह की मूव देखने को मिली थी, लेकिन जो आज मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स हैं क्या वो फर्दर ट्रेड्स भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? आज डिविस लैब जैसा स्टॉक्स में 5.5% की मूव है, फार्मा स्पेस जिस तरह की मूव दिखा रहा है, रिजिलेंस फार्मा हो, एफएमसीजी हो, और ऐसा कोई बड़ा रीजन भी नहीं था, अब तो फार्मा डिफेंसिव जैसे दिखते भी नहीं है। एपीआई डिवीज एक एपीआई कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है एपीआई की, एपीआई के स्टॉक्स में बॉटम हो गया। अगर आप 2600 रुपए पे डिवीज मिस कर गए तो आपको देखने चाहिए दो स्टॉक जो एपीआई, तीन स्टॉक कर लीजिए। पहले लेके आइए 6 महीने का ग्राफ रेट सब डिवीज का, डिवीज जो है एक्चुअली वर्स्ट में तो 2200 गया था, लेकिन 26 तक तो जान आ गई थी वापस, तो आप पकड़ सकती थी। इनफॉर्म ट्रेड जो है ये देखिए 2600-2700 में घुसना शुरू हो गए थे, वहां से आज 3500 का टॉप पता है 5500 का है, तो अभी जगह है इसमें, प्रीवियस हाई। बट फिर भी अगर आप ये मिस कर गए, क्योंकि अभी अभी ब्रेकआउट शुरू हुआ है, अभी देखिए एक लाइन में था, एक रेंज में था, नैरो कॉरिडोर में, ये तब से शुरू हुआ जब इनके एक्सपोर्ट फिगर्स आने, शिपमेंट फिगर्स शुरू हुए लास्ट क्वार्टर जब आए, इनका बहुत टिल्ट एक ही मॉलिक्यूल पे था कोविड वाले, फिर धीरे धीरे। तो आपको ट्रेड कौन सा देखना चाहिए जो मैं अपने पैनल से डिस्कस करना चाहूंगा, वो है शिल्पा मेडिकेयर, न्यूलैंड लैब और लॉरस लैब, वो छोटे वर्जन ऑफ एपीआई प्लेस माने जाते हैं। अग्रवाल साहब है हमारे साथ, सर आप बताइए, अगर मुझे एपीआई रिकवरी स्टोरी खेलनी है और मैं डिवीज मिस कर गया, क्या लॉरेंस न्यूलैंड शिल्पा में कुछ देखना चाहिए? मेरी पसंद इस चारों में दो रहेगी, डिवीज जैसे कि लार्ज कैप में भी है और छूट भी गया कह सकते हैं, बट छूटा हुआ नहीं है, अभी भी अपसाइड तो बचती है, बट मिड कैप स्पेस में शिल्पा और लॉरेंस ये दो के साथ जाना चाहूंगा। शिल्पा न केवल एपीआई में है बल्कि आप देखो तो ऑन्कोलॉजी में भी एक अच्छा प्लेयर है, ऊपर के लेवल से मेरे हिसाब से 30-40% अभी भी अपसाइड बचती है, क्योंकि 52 वीक हाई से अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 400 कुछ रुपए या 500 के आसपास था ये, और लॉरस अगर आप देखो तो 700-750 लुढ़कता हुआ ये 300-280 तक चला गया था, अभी मुश्किल से 350 तक आया है, यहाँ अच्छी अपसाइड बचती है, न केवल एपीआई में बल्कि दूसरे में भी, ये नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, नए टेरिटरीज पकड़ रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ एक बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपके टाइम होराइजन कम से कम 1.5-1.5 साल की हो, तो छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग के लिए भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई को पोजिशन बनानी हो तो 380-385 के टारगेट हो सकते हैं लॉरस में, बट मैं फिर कहना चाहूंगा कि बड़े टारगेट के लिए थोड़े से टाइम होराइजन लंबे रखें शिल्पा में और उसमें दोनों में, थोड़ा समय के साथ बनता है, पेशेंस के साथ, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ बनता है, लेकिन ठीक है एटलीस्ट डायरेक्शन आपने अपने व्यूवर्स को बता दें कि किस वजह से आपको ये दो स्टॉक्स को नजर रखनी है, शिल्पा मेडिकेयर, लॉरस लैब और न्यूलैंड लैब जैसे स्टॉक्स पर आप नजर जरूर रखें। लेकिन आज ये जो दो दिन से आईटी स्पेस का हमें मूव और सपोर्ट मिल रहा है, क्या ये मूव सस्टेन भी करेंगे? टेक महिंद्रा में जो चाल दिख रही है इस वक्त 2.5-3%, कल भी इनफैक्ट कुछ लार्ज कैप आईटी चल भी रहे थे, आदित्य आप बताएं आईटी स्टॉक, आईटी स्टॉक्स की जो मूव है ये सस्टेन करेगी अभी, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? प्रियंका जी मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर एज अ सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, पर टेक महिंद्रा उसमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है तो उसको डेफिनेटली कैरी किया जा सकता है, अभी 1175 चल रहा है और इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1120 का और उससे ट्रेड को कैरी करना चाहिए। आईटी सेक्टर से हालांकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बट ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है, तो टेक महिंद्रा क्योंकि इसके साथ ठीक है दूसरी चीजें भी हैं इंटायर आईटी पैक में, टेक महिंद्रा को इसलिए भी एक वजह से पसंद किया जाता है, ईवी इकोसिस्टम की वजह से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, और आप स्प्लिट को समझना पड़ेगा, आप एक्चुअली राजेश से ही समझते हैं, राजेश आईटी स्पेस में भी आप जो एक्सेंचर की गाइडेंस आई थी उसमें भी क्लियरली ये दिख रहा था कि टीसीएस जैसे स्टॉक्स जो आपको याद होगा वो एक तरफ की मूव थी,
यानी जहां पर भी कम्युनिकेशन का बिजनेस था और टेक महिंद्रा को उस दिन नुकसान भी बहुत हुआ था क्योंकि मेजरली टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो जो इस सेगमेंट में जिनकी एक्सपोजर ज्यादा होगा उनको इम्पैक्ट पड़ रहा था। टेक महिंद्रा तब गिरा भी था, लास्ट डील्स लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन डील्स उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस वजह से टीसीएस उस दिन गिरा भी नहीं था, बहुत ज्यादा गिरे नहीं थे, लेकिन टेक महिंद्रा को इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी पूरे आईटी पैक में अगर सेगमेंटेशन वाइज देखना चाहें तो आपको कौन सी कहां पर फिर भी दिखता है कि शायद इतनी वर्स्ट ऑफ द टाइम इज बिहाइंड अस, अब इतना नहीं गिरेंगे ये स्टॉक्स? देखिए अगर आईटी पैक एज ए होल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक तरीका से बॉटम आउट हो चुके हैं, चाहे वो टेक्निकली हो या फंडामेंटली हो। फंडामेंटल्स की खास बात की जाए तो अगर आप देखो तो जो दिग्गज कंपनियां हैं इंफोसिस टीसीएस, बावजूद इनके कि उनकी पहुंच बहुत अच्छी बनी हुई है, ऑर्डर बुक अच्छे हैं, नए ऑर्डर्स ऐड हो रहे हैं, न केवल पुराने आईटी सॉफ्टवेयर में बल्कि क्लाउड में डिजिटल में सब में उनकी अच्छी प्रेजेंस बनी हुई है। एट्रिशन रेट जो कि एक सिरदर्द था कोविड के टाइम पे, हर क्वार्टर में हम देखते थे एट्रिशन रेट बढ़ती जा रही है, वहां मॉडरेशन देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पीछे छूट गया है वो बुरा दौर और आने वाले दिनों में अगर कोई 6 से 8 महीने साल भर का नजरिया लेता है तो यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। खास टॉपिक्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली नंबर में तो इन्फोसिस ही रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और जो दिक्कतें एट्रिशन वगैरह को लेकर थी या हाई एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर के थी वो पीछे छूट गई है। और मिड कैप की बात करूं तो मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड पे ध्यान देना चाहिए, जहां कंपनी ने खुद ये बयान दिए हैं कि वो 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खास ऐसे बिजनेस मॉडल से जहां की 97% रेवेन्यू का उनके डिजिटल से आता है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि ये विशेषकर विदेशों में माल बेचते हैं तो वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए दिक्कत हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म डिमांड बहुत रोबस्ट है, एट्रिशन जैसे कि मैंने कहा नीचे जा रहा है, कैश फ्लो अच्छा है और सबसे अच्छी बात FY25 की अर्निंग्स पे अगर देखें तो सिर्फ 40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड और इन्फोसिस दो स्टॉक ऐसे हैं जहाँ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो दो स्टॉक आप जहाँ पर आपको वैल्यू दिखती है, ठीक है, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की आपने बात की, बहुत समय के बाद इस स्टॉक की बात भी हुई, इनफैक्ट जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद तो काफ़ी चला था, फिर उसके बाद बहुत समय तक ये थोड़ा सा वैनिश मोड में ही दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन बॉटम आउट ऑफ कोर्स मोर और लेस हो चुके हैं, ये एक व्यू तो निकल कर आता है, लेकिन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ग्लोबली भी नहीं आ रही और जिस तरह की कॉमेंट्री अभी भी आ रही है जब तक एक्चुअल नंबर्स नहीं आएंगे डिफिकल्ट टू से, लेकिन एट द सेम टाइम आज जहाँ जहाँ बड़ी मूव्स हैं क्या वो फर्दर कैरी फॉरवर्ड मूव्स भी हैं? सुदीप, HDFC बैंक HDFC दोनों काफ़ी चले थे, आज ये 2.5-3% की जो इन पे डेंट है, क्या ये एक रिकवरी ट्रेड के लिए इनमें BTST कोई बनता है या फिर अभी अवॉइड है? प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि ये दोनों को फिलहाल HDFC ट्विंस को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से हमने देखा है कि HDFC बैंक 1720-1730 के आसपास से पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस आ रहा था और HDFC लिमिटेड में 2910-2920 के आसपास से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये दोनों स्टॉक्स को, जैसे HDFC बैंक में मुझे लग रहा है कि एक बार 1630-1640 का लेवल रिटेस्ट होगा और वहां पे कंसोलिडेट करके फिर ये वापस से हम इसमें एक अपमूव देख पाएंगे। और सिमिलरली HDFC लिमिटेड में भी मुझे लग रहा है एक बार 2750-2730 का इसका जो एक जोन था, जो ब्रेकआउट जोन था, ये वो जोन को एक बार रिटेस्ट करेगा और फिर ही हम इसमें एक अपमूव देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कैरी यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए और एक दो दिन मुझे लग रहा है इसमें वेट करना चाहिए, बिकॉज ये सब ये दोनों स्टॉक्स फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो से ड्रिवन होते हैं कि कौन सी डेट मर्जर, ये न्यूज फ्लो के रिलेटेड बहुत ज्यादा ये स्टॉक्स पे ये इम्पैक्टेड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा इन दोनों स्टॉक से फिलहाल एक दो दिन दूर रहना चाहिए एंड 1640 और 2720-2730 के करीब ये दोनों स्टॉक्स HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड पे हम ध्यान दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी अभी रहेगी। लार्ज कैप बैंक्स हैं और हैवी वेट काफी चल भी चुके हैं, लेकिन बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स जहां थोड़ा सा ऑपरेशनल अपडेट की वजह से आज का ट्रेड थोड़ा नरमी वाला है, क्या वहां पर कोई रिकवरी ट्रेड के लिए आदित्य अटेम्प्ट करेंगे आप बंधन बैंक को या फिर ये भी थोड़ा वीक जोन में है? देखिए, बंधन बैंक ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही, आप देख रहे हैं कि लोअर क्वालिटी बैंक्स जहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, जैसे RBL बैंक भी बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं, तो बुल मार्केट की यही खासियत है कि आपको अच्छे बैंक जैसे HDFC
एचडीएफसी बैंक से बहुत अच्छे रिटर्न मिलते ही है, पर जो लोअर क्वालिटी एकदम लोअर पिरामिड के जो बैंक्स होते हैं या हाई सेंसिटिव काउंटर्स होते हैं वहां से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो बंधन बैंक में भी अभी एक सपोर्ट पे ही चल रहा है, जो इसका सपोर्ट अभी बन के आ रहा है ऑलमोस्ट 225-220। जब तक 220 ब्रेक नहीं होता है तब तक बंधन बैंक पे पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए। थोड़े हफ्तों में हो सकता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 240 से 250 के बीच में भी ट्रेड करे। ऑलराइट, 240 ठीक है, अभी फिलहाल जो रेंज आप बता रहे हैं 240 से 250 के बीच, लेकिन आज तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन इस लेवल को, इस डिप को आपको यूज़ करना चाहिए बाय करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जिनमें 5-5.5% की मूव है और ये लगातार अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुदीप, हीरो मोटोकॉर्प भी देखें, कल और आज में 9-10% मिल गया, लेकिन एक बार के लिए बड़ी मूव, क्या ये रेंज एग्जॉस्ट हो सकती है अभी वेरी शॉर्ट टर्म आई एम आस्किंग, या फिर आपको लगता है कि राइट करना चाहिए अभी? प्रियंका जी, मुझे इनफैक्ट ये मेरा एक बीटीएसटी आइडिया भी था, मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए, बिकॉज पिछले 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि 4600 और 4730 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और आज हमने देखा वॉल्यूम बेस ब्रेकआउट है और ओपन इंटरेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम इतनी आसानी से नहीं रुकेगा यहाँ पे, और 4830 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है यहाँ पे 4800, इनफैक्ट अगर थोड़ा रिस्क ले ज्यादा तो 4800 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है यहाँ पे 5130-5150 तक के भी एक अपमूव यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक फ्रेश अपमूव मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। बजाज ऑटो, फिर मारुति, M&M, ये सब में चालू हुआ है, एस्कॉर्ट्स, तो ऑटो पैक अगले 1-2 सत्रह के लिए मुझे लग रहा है ध्यान में रहने चाहिए, टच लाइन पे रहने चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो बाजार तो आप तो यहाँ ट्रेंड को राइट करने की बात कर भी रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स लगातार ट्रेंड में हैं, ठीक है, तो इसमें बने रहना चाहिए और बड़ी मूव पॉसिबल है आगे के लिए। आज बाजार में दिन भर हमने देखा कि ऑटो पैक से एक बड़ी स्ट्रेंथ आई और उसमें दो न्यूज़ जो इस पूरे हफ्ते के लिए प्रिवेलिंग भी रही वो ये थी, बजाज की वहाँ हीरो की हार्ली डेविडसन के साथ नई बाइक, बजाज ऑटो का ट्रायम्फ, तो ये सारे सेगमेंट जो है ये प्रेशर आयशर मोटर पर डालते हुए दिखाई दिए और आयशर मोटर आज भी आपको वीक काउंटर्स में दिखाई दिया। गेन लूजर्स में अगर आप बात करें तो आज HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनमें दिख रही है, 3-3% का डेंट और सुबह से ही आपको ये दबाव दिख रहा है, रिकवरी ट्रेड अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, एक इनफैक्ट आधा 1% वीक ही हुए दिन भर के दौरान। आयशर मोटर आज भी 2.5% की वीकनेस, लगभग 9% की वीकनेस आपको इन दो दिन में दिख गया है, क्योंकि दो नए एंट्रेंट उसी स्पेस में है जो हाईली कम्पेटिटिव, जो काफ़ी प्रीमियम वाला स्पेस है और इनफैक्ट रिकॉर्ड सेल्स आती हैं आयशर मोटर की आरी सेगमेंट से, सो यहाँ पर एक प्रेशर ज़रूर दिख रहा है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी थोड़ा गेनर लूजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें टाटा मोटर्स, बजाज ट्विंस दोनों ही अच्छे चले थे बजाज फाइनेंस के अच्छे अपडेट के बाद, थोड़ी माइनर प्रॉफिट बुकिंग आपको वहां देखने को मिल रही है, लेकिन जहां बड़ी बढ़त है इस वक्त टॉप गेनर आपको डिविस लैब दिख रहा है जहां पर लगभग 5-5.5% की मूव है, बजाज ऑटो दूसरा बड़ा गेनर है 5.5% की मूव, नई ट्राइम जो नई गाड़ी है उसका लॉन्च प्राइस भी आ गया है, लगभग पहली 10,000 गाड़ियों के लिए 2.33 लाख का प्राइस की बात की जा रही है। कुछ दूसरे जो इंश्योरेंस काउंटर्स में HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स बाद में लास्ट आर में ऊपर आए हैं, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी नई बाइक का ट्रिगर है और प्राइस हाइक तो खैर दूसरी न्यूज़ है, लेकिन पहली बड़ी न्यूज़ जो है जो नए लॉन्च का है जिसको बाजार सुनना चाहता था कि कंपनियाँ बड़े लॉन्चेस कब करेगी, तो सोमवार से ही आपको प्रिवेलिंग न्यूज़ दिख भी रही है हीरो मोटोकॉर्प के प्राइस पर। मारुति 10,000 के प्राइस पार हुआ, वहाँ पे भी इन्विक्टो का प्राइस आया और उसका एक इंपैक्ट आपको दिखा कि 10,000 के पार आज मारुति ट्रेड में गया, अभी ऑलमोस्ट 10,000 के पास इस वक्त क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। BPCL में 2.5% की मूव है, राइट्स इशू की न्यूज़ है यहाँ, और साथ ही IT काउंटर्स क्योंकि अर्निंग सीजन अब शुरू हो गया है, TCS के नंबर्स 12 से शुरू होने हैं, TCS, HCL, टेक महिंद्रा में आपको IT काउंटर्स कुछ ना कुछ उसमें ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में मूव है। इंडसइंड बैंक में एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनले की, बड़े टारगेट्स थे प्लस इनको इनके प्रमोटर को नॉड मिला है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का 26% तक करने का, तब से स्टॉक में आपको मूव दिख रहा है, बैंक्स वैसे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन सारे बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यही एक बड़ी चीज़ एक ऑब्जर्वेशन दिख भी रही है। FMCG के दूसरे काउंटर्स में HUL, ITC, ब्रिटानिया यहाँ मूव है, तो FMCG पैक इस वक्त आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऑटो से बड़ी लीडरशिप आज दिन भर में दौरान आई है, पावर स्टॉक्स फिर से वापस आए हैं, बैंक्स में प्राइवेट स्पेस बैंक्स वापस आए हैं, HDFC लगातार जरूर है, लेकिन उसके अलावा PSU, मिड कैप PSU वापस आए हैं, तो लार्ज कैप ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स
इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक, वहां पर आपको एक मूव दिख रही है आज के दिन में। कंजम्पशन स्टॉक्स में और गोल्ड रिलेटेड काउंटर्स में काफी मूव है। पिछले दो दिन से हम टाइटन जैसे काउंटर्स में मूव दिख रहे हैं, आज वहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। और मेटल्स जो लगाट थे अब तक, आईटी और मेटल लगाट थे, उनकी पार्टिसिपेशन इनफैक्ट इस हफ्ते आपको देखने को मिली है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में भी मूव है। दूसरे काउंटर्स में ऑफकोर्स HCL, TCS, इन सब में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप में भी देखते हैं कि वहाँ किस तरह का हाल है, क्योंकि मिड कैप स्पेस में भी हमने देखा कि जो गिरने वाले स्टॉक्स थे उनमें आइदर ऑफ द न्यूज़ थी। डिक्सन में एक बड़ी रिपोर्ट आई अंडरवेट की, वहाँ पर आप 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। एस्ट्रल जैसे काउंटर, ए बी कैपिटल जैसे काउंटर्स काफ़ी चले, वहाँ पर आपको थोड़ी गिरावट दिखी है। L&T फाइनेंस आज दिन भर से प्रेशर में है, कल बड़ी मूव आई थी, परसों बड़ी मूव आई थी, कल भी इसमें 3-4% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो 8-9% की मूव के बाद 4-5% थोड़ा सा लाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बढ़ने वाले काउंटर्स कौन से हैं मिड कैप में, जहाँ बड़ी स्ट्रेंथ है उसमें BHEL बढ़कर स्ट्रेंथ अब 7% हो गए। अभी शो में डिस्कस ही कर रहे थे, 93 के पार आपको BHEL दिख रहा है। ऑल मार्केटिंग काउंटर्स सारे ही आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, BPCL, HPCL सब में मूव है आपको दिख रही है। JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स, तो एनर्जी पैक में आपको फिर से एक मूव आती हुई दिखाई दे रही है। फार्मा नेम्स में आपको अरविंदो फार्मा मिड कैप में दिख रहे हैं, और क्योंकि फाइनेंस अपडेट्स अब स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस के अपडेट स्ट्रॉन्ग आए, मिड कैप PSU बैंक के अपडेट स्ट्रॉन्ग आए, तो पूनावाला फिनकॉर्प जैसे बैंक्स के भी आपको अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही कुछ और टायर काउंटर्स और बालकृष्णा जैसे काउंटर्स भी हैं जहाँ अच्छी खासी मूव है। सो ओवरऑल बाजार में आज इंडेक्स वाइज तो बहुत लल ट्रेड था, एक रेंज में ट्रेड था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भरपूर एक्शन था, ऑटो पैक में अच्छी खासी तेजी थी, मारुति की बात हो, बजाज, ऑटो हीरो, मोटोकॉर्प लीडर्स ने आज कंप्लीटली मार्केट कैप्चर करके रखी है। और साथ ही आपके फाइनेंस काउंटर्स से भी आपको वापसी आती हुई, और आईटी, कुछ आईटी मेजर्स ने भी आज अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली डिस्क्लोजर आपके आदित्य, सुदीप और राजेश सबसे ले लेते हैं। आदित्य आपका डिस्क्लोजर। हाँ जी, जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए वो मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं, तो आप एक बार अपना सोच समझ के कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। गिव योर डिस्क्लोजर। जो भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए या सेक्टर्स के बारे में बात की, उसमें हमने काफी अपने क्लाइंट्स को भी उनसे भी शेयर किए, और मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है उसमें। कुछ ऐड करना चाहेंगे डिस्क्लोजर? मान के चलना उचित होगा कि जो स्टॉक डिस्कस किए हैं हमारे क्लाइंटों की उसमें पोजीशन हो सकती है, रिकमेंड किए हुए हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज समय देने के लिए। चलिए शो को यहीं वाइंड अप करते हैं, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।